श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अभियान के तहत सकेल लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमचा की फैक्ट्री चला रहे तीन नफर अभिगण को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमचे 315 बोर व तमचे 12 बोर व अधभने तमचे तथा तमचे बनाने के उपकरण व अन्य सामान किया गया बरामद। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान। सर, कुछ हथियार पकड़े गए हैं, किस तरह के हथियार हैं, कहां से बरामद हुए, कितने लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं? थाना लोनी बॉर्डर थाना अध्यक्ष सचिन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। कुछ जानकारी मिल रही थी कि इस तरह से कुछ तीन व्यक्ति हैं जो कि एक जगह पर कहीं सुनसान एरिया में जो कि सेवाधाम चौकी के अंतर्गत आता है थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में, इस तरह से तमंचा रिपेयर करने का तरह से काम करते थे और उनके पास भारी संख्या में असला हो सकते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर सीओ लोनी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये टीम को सचिन ने हेड किया था और सचिन के साथ साथ इसमें SHO टोनिका सिटी, SHO लोनी, सभी तीन ही लोग इसमें शामिल थे। तो इस पूरे सीओ लोनी के अल्टीमेट नेतृत्व में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी संख्या में असला बरामद हुआ है। इसमें 45 वेपन मिले हैं, 45 तमंचे जिसमें विभिन्न प्रकार के 315 12 बोर पौनिया कई तरह के विभिन्न प्रकार के तमंचे, तो 45 असलाह इसमें बरामद हुए हैं बने अनबने सभी प्रकार के और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है सर्किल धोनी के सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा और बहुत ही अच्छी रिकवरी है और इसमें अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। इसमें और भी लोग जो भी इस गैंग में शामिल हैं उनको भी हम लोग प्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारा प्रयास है कि ऑपरेशन पाताल जो कि शासन के द्वारा चलाया जा रहा है तो शासन की मंशा के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है। कल भी गाजियाबाद में ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत ही बहुत बड़ी रिकवरी हुई जिसमें 73 असला बरामद हुए थे, उसी क्रम में आज लोनी सर्किल के द्वारा ये कार्रवाई की गई। बहुत ही अच्छी कार्रवाई ये है और इसमें सभी जो पूरी टीम है उसके लिए पुरस्कार की संस्तुति भी निर्मला की जाए। सर, किस तरह का प्रोफाइल है जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो हथियार बनाते हैं किस तरीके का हथियार बनाते हैं और कहाँ से मेटेरियल लेकर आते थे? ये जो अपराधी हैं इन पर पूर्व में ही मुकदमे हैं, ये आम से के मुकदमे हैं इनके ऊपर, बाकी और भी मुकदमे हैं और ये हथियार सप्लाई का काम करते हैं मिलती और उसके अलावा हथियार को रिपेयर करने का काम करते हैं, तो उसी के यूनिट इन्होंने यहीं पर जंगल के एरिया में हमें डाली थी लोनी बॉर्डर में सेवाधाम चौकी के अंतर्गत, वहीं पर ये कुछ समय से काम कर रहे थे। इसकी सूचना हमें मिलने के बाद इसमें टीम गठित करके बहुत ही अच्छी कार्रवाई इसमें की गई है। इसमें जो रॉ मटेरियल है उस इनसे पूछताछ के आधार पर हमें कुछ दुकानें पता चली हैं जहाँ से रॉ मटेरियल हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह से आते थे, उनको भी चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे क्योंकि अगर उनकी जानकारी के बाद इस तरह का कार्य हुआ है और इनके द्वारा रॉ मटेरियल सप्लाई किया गया है तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, अपराधियों ने अब तक कितने हथियार उन्होंने बेचे हैं, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई? सर, ये अभी इन्होंने हाल ही में जो यूनिट डाली थी और अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं बेच पाए थे, इनका आगे का प्लान था कि आगे इसको बेचेंगे अधिक से अधिक हथियारों को और